बेटा देखिए, मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ कि जो एनसीईआरटी है वो स्वर्ग के रास्ते खोलती है, एनसीईआरटी मोक्ष प्रदान करती है। मतलब अगर आपको एनसीईआरटी आ गई बायो की, तो आप जो है मोक्ष मिल जाएगा आपको इस धरती से, इस संसार से। मतलब ज्ञान हो जाएगा, जैसे बुद्ध को ज्ञान हुआ, कबीर को ज्ञान हुआ, मुझे एनकेटी को ज्ञान हुआ, ऐसे आपको ज्ञान होगा। तो आज जो सिस्टम पढ़ाने चल रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड की तरफ अगर आप देखिए तो लिखा हुआ नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स में तो है ही नहीं, एनिमल्स में है। ये ह्यूमन या एनिमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है। करेक्टरिस्टिक फीचर का सेंस ये नहीं कि कहीं लिखा हुआ है, लेकिन फीचर इसलिए है ये नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, जो भी सारी चीजें हैं, क्योंकि इसी सिस्टम के द्वारा मनुष्य यूनिक है। वो पूरी दुनिया पे जो है राज कर रहा है, हर जीव पे, इवन दूसरे प्लेनेट पे जाके भी राज कर रहा है। जो थिंकिंग है, थॉट है, एनेक्जिटी है, प्रेशर है, जो भी चीजें हैं जिसमें हम सबसे स्पेशल हैं इस दुनिया में, जो सबसे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उसका सिर्फ एक कारण नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम केवल एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। जबकि हार्मोन्स अगर आप देखें, प्लांट्स एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। हमारी बॉडी को दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं, एक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम वाइड स्प्रेड कंट्रोल करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल करता है। तो आइए देखा जाए, नर्वस सिस्टम में आपने कई सारे नाम सुने होंगे, नर्वस सिस्टम बनते कैसे हैं, नर्वस सिस्टम में क्या है, कैसे है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं इन चीजों में। आइए तो सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, एनिमल किंगडम में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले लिख सकते हैं, ये पहली बात लिख दीजिए कि ये जो सिस्टम है अब्सेंट इन प्लांट्स, कभी भी किसी भी प्लांट में आपको न्यूरॉन जैसी कोई चीज नहीं दिखाई। अब्सेंट इन प्लांट्स सबसे पहला कमेंट आपने फट से डाउनलोड किया, दिमाग में डाला भाई ये नर्वस सिस्टम प्लांट्स में अब्सेंट होते हैं। फिर आपने लिखा न्यूरॉन्स फर्स्ट अपीयर इन सिलेंट्रेट्स, फर्स्ट अपीयर इन, ये देखिए सिलेंट्रेट्स, जो सिलेंट्रेटा है, मतलब जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, उसमें सबसे पहले आपको न्यूरॉन जैसी कोई चीज दिखाई पड़ती है। आपकी एनसीईआरटी ने भी इस बात को लिखा है, इवन एनसीईआरटी ने लिखा है, नाम भी लिख दिया है कि भाई देखिए ये हाइड्रा है। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में दो सिस्टम है जो बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखें तो बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम लोग इंटीग्रेटिव सिस्टम कहते हैं, इंटीग्रेटिव सिस्टम है, इंटीग्रेशन से मतलब यहाँ पर इंटीग्रेटिव सिस्टम है। अगर इस इंटीग्रेटिव सिस्टम में देखिए तो दो सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम होता है जो बॉडी को मेनली कंट्रोल कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल कर रहा है, इस सिस्टम को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसी को पढ़ना है हम लोगों को। और दूसरा सिस्टम वो है जिसे हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये देखिए, मतलब बॉडी में दो सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, एक नर्वस सिस्टम है और एक इंडोक्राइन सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स निकलते हैं और हार्मोन्स जो है प्लांट्स में भी निकलते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो केवल एनिमल्स में पाया जाता है, ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले न्यूरॉन जैसी कोई चीज फाइलम सिलेंट्रेटा में दिखती है, फाइलम पॉलीफेरा में कोई भी न्यूरॉन जैसी चीज नहीं दिखती है। या ऐसे कह सकते हैं, व्हेन, ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई न्यूरल स्टिमुलाई या न्यूरल एक्टिविटी व्हेन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई न्यूरल एक्टिविटी देन दिस इज नर्वस सिस्टम देन इट इज नर्वस सिस्टम। हमारी जो बॉडी है उसे जब कोई न्यूरल एक्टिविटी कंट्रोल करती है तो हम कहते हैं भाई इस समय नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ये बॉडी जो है हमारी इसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो अब आपको ये समझना है कि नर्वस सिस्टम में कई नाम आप अक्सर सुनते हैं कि कौन है जो नर्वस सिस्टम बनाता है। जैसे आप ये एक नाम ये सुनते हैं भाई देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपने ये नाम पक्का सुना होगा, छोटी क्लास से आप सीखते चले आ रहे हैं तो मुझे अपेक्षा है कि शायद आपको आता होगा। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी को लोग शॉर्ट में CNS कहते हैं। अब देखिए CNS क्या है, कुछ नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में दो चीजें हैं, एक ब्रेन है जिससे आप सोचते हैं समझते हैं और आज अपने इसी ब्रेन के दम पे ह्यूमन कहां से कहां पहुंच गया। कोई दुनिया का आदमी जो अपनी मैक्सिमम पे पहुंचता है उसका सिर्फ और उसका ब्रेन है। इस दुनिया में जो कॉम्पिटिशन है, ये जो लड़ाई है, जो स्ट्रगल है, जो घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कुछ भी जो है इस दुनिया में,
वो सब ब्रेन का खेल है। जिसके पास ब्रेन है वो फिटेस्ट है, जिसके पास ब्रेन नहीं है कुछ नहीं है। संघर्ष का सिर्फ एक कारण ब्रेन होता है, संघर्ष का एकमात्र कारण ब्रेन होता है। तो आइए हम लोग एक एक नर्वस सिस्टम को समझते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ एनालिसिस ऑफ एंड इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है तो आप सीपीयू में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं, मतलब उसमें इंटर कराते हैं। तो जो सीपीयू है कंप्यूटर का उसे हम लोग सेंट्रल पार्ट कहते हैं, भाई वो कंप्यूटर का ब्रेन है। तो हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो ऐसी जगह है जिसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक साथ मिला के कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट होती है इन्फॉर्मेशन उनकी एनालिसिस होती है, उस पर काम होता है। आइए शुरू किया जाए और समझा जाए। सबसे पहले अगर आप देखें तो पूरी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है जिसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में लोग CNS कहते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसका नाम लिख लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सबसे पहला नर्वस सिस्टम है। और अगर आप इस नर्वस सिस्टम में देखें तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक तो ये ब्रेन है जो हमारे दिमाग के, मतलब जो हमारा ये स्कल है इसके अंदर क्रेनियम के अंदर पड़ा हुआ है, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी पीठ पर पड़ी हुई है। ये दो पोर्शन है ब्रेन के, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से बना है, ब्रेन से और किससे, स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चीजों की इनपुट और एनालिसिस होती है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इनपुट एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इनपुट एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हम लोग इंफॉर्मेशन, जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो आप मुझे समझ रहे हैं, उसकी इनपुट और एनालिसिस दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है, शायद इसीलिए इस पार्ट को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और क्यों है, दोनों चीजें क्या है और क्यों है, दोनों चीजें। तो क्या है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्यों है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसकी एनालिसिस होती है, तर्क होती है, जो आप तर्क देते हैं ये सही है ये गलत है ये ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही क्यों नहीं होता है, जो भी है ये सब ब्रेन के कारण है। अगर आप में दम है, आप में पोटेंशियल है, तो उसका कारण सिर्फ ब्रेन है, और आप में कुछ नहीं है, मेंटली रिटार्ड है, तो कोई बात ही नहीं है। तो अब ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आ भी सकती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन दी भी जा सकती है, दोनों स्थिति है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो दूसरा नर्वस सिस्टम है, जो इसको बॉडी पार्ट से नर्वस इंफॉर्मेशन देता है, उस नर्वस सिस्टम का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो दूसरा नर्वस सिस्टम है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पहले आपको ये बात समझना है कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बॉडी पार्ट से मैसेज ले भी जाता है, इफेक्टर मतलब बॉडी ऑर्गन्स को, और बॉडी ऑर्गन्स से मैसेज ले भी आता है। तो अगर आप देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, एक अगर आप देखें तो इसमें पहली चीज है जिसे हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, मतलब क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से बॉडी पार्ट के लिए मैसेज लेके जा रही हैं, और दूसरी जो नर्व्स हैं उन्हें हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब ये दो नर्व्स हैं जो ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से निकल रही हैं। कितनी सिंपल सी बात है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दो बॉडी पार्ट है, दो लोग मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन्हें कहा जाता है, और उनसे जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, जो नर्व्स निकलती हैं, उन्हें हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो इसे शॉर्ट में हम लोग PNS कहते हैं। ये देखिए ये क्या करता है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, ब्रेन टू बॉडी एंड वाइस वर्सा, मतलब ले भी जा सकते हैं और ले भी आ सकते हैं, दोनों स्थिति है। ये देखिए एंड वाइस वर्सा, जैसे अगर आपको ये बात सीखनी हो कि कैसे हम इस बात को और सरलता से समझें, तो जैसे आपके घर पे एक मेन बोर्ड होता है जिससे लाइट पूरे घर में जाती है, तो वो जो मेन बोर्ड है उसे ब्रेन या हम लोग स्पाइनल कार्ड कह सकते हैं,
और उससे जो वायर्स आते हैं उन्हें हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रख सकते हैं। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसकी भी दो हालत फर्दर है। तो ये देखिए, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे चल के इसमें दो डिवीजन है। वो डिवीजन जो इससे इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है उस डिवीजन को हम लोग मोटर डिवीजन कहते हैं। जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके जा रहे हैं उन्हें मोटर डिवीजन कहते हैं, या उन्हें हम लोग इफरेंट कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ये देखिए मोटर डिवीजन या इसे हम लोग इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ये पहला डिवीजन है और जो इसको मैसेज देना चाहते हैं उन्हें हम लोग सेंसरी या अफ्रंट न्यूरॉन्स कहते हैं। देखिए एरो भी बहुत सारी चीजें बता रही हैं, सेंसरी या अफ्रंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ये देखिए तो सेंसरी या अफ्रंट न्यूरॉन्स हैं जो इसे मैसेज दे रहे हैं, मतलब लौटा के मैसेज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कौन सा मैसेज है? यही जो हम लोग सुन रहे हैं, मतलब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप पास मैसेज जा रही है तो मोटर है, और अगर आपने कुछ कहा और मुझे इन्फॉर्मेशन आई तो वो बॉडी में जो ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाला डिवीजन है उसे हम लोग सेंसरी या मोटर डिवीजन कहते हैं, सेंसरी या अफरेंट डिवीजन कहते हैं। ये दो डिवीजन है, मतलब दो ब्रांच है। एक ब्रांच है जो बॉडी पार्ट से मैसेज ले आ रहा है, ये अगर आप चाहें कैसे लिख सकते हैं, ये ब्रेन से इफेक्टर्स के पास मैसेज ले जा रहा है। इफेक्टर्स मतलब जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे न्यूरॉन्स जो ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं इफेक्टर्स के पास या रिसेप्टर्स पास उन्हें हम लोग मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। लेकिन उल्टा देखिए, अगर इफेक्टर मतलब जहां पर इफेक्ट था, इफेक्टर से अगर कोई चीज ब्रेन के पास जा रही है तो वो जो न्यूरॉन काम कर रहा है उसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तब इसके दो डिवीजन हैं, ऐसे आप बना दीजिए इस तरह से ताकि आपको कंफर्म हो जाए, मतलब बॉडी पार्ट से जो मैसेज फर्दर रिटर्न होके जा रहा है उसे सेंसरी डिवीजन देख रहा है और बॉडी पार्ट को मैसेज जो लेके जा रहा है उसे मोटर डिवीजन देख रहा है। तो अगर मैंने आपको कुछ कहा, आपने किसी वस्तु को देखा तो कौन सा डिवीजन आपके ब्रेन में मैसेज लेके गया? मोटर। और आपकी आंख से ब्रेन को जो मैसेज लेके जाएगा वो सेंसरी डिवीजन लेके जाएगा। अब ये मैसेज जो जा रहा है मोटर डिवीजन, ये हमारी बॉडी में दो जगह पे जा रहा है। एक वो जगह है जो वॉलंटरी है और एक वो जगह है जो इनवॉलंटरी है। तो वॉलंटरी कौन सी है? स्केलेटल मसल्स है। तो देखिए अगर आप समझे तो ये दो जगह मैसेज लेके जा रहा है। पहले ये बना रहा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा बना रहा है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब आपको ये बात सीखना है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको हम लोग SNS कहते हैं। ये देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम, अगर ये मोटर न्यूरॉन्स हमारी स्केलेटल या वॉलंटरी मसल्स पे जाते हैं, जैसे ये हाथ है जो अगर वॉलंटरी मसल्स पे जाते हैं तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जब मोटर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस इंटू स्केलेटल मसल उन मसल्स को कहते हैं जहां पर हमारा बस है, जहां पर हमारा कंट्रोल है, उन सारी मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल्स कहते हैं। मतलब अगर आप अपना हाथ घुमा रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स उन्हें घुमा रहे हैं, वहां पर वॉलंटरी मसल्स हैं तो उस जगह पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। तो समझ सकते हैं आप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स जब स्केलेटल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम लोग सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब अपने पास दो मसल और बची है, अगर आप समझे तो एक मसल बची है कार्डियक और दूसरी स्मूथ और तीसरी ग्लैंड्स, जहां पर हमारा कोई बस ही नहीं है, हम जहां विवश है। अगर आप कार्डियक हार्ट को देखें तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, स्मूथ मसल्स को देखें तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ग्लैंड्स के सिक्रीशन पर देखें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर इस स्मूथ मसल्स पे, विसरल मसल पे या हमारे कार्डियक मसल्स पर, ग्लैंड्स पर जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसे बेटा हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये देखिए लिखिए यहाँ पे कि सर देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लिखिए इस चीज को कि सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर आप देखें
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब वो सिस्टम, वो न्यूरॉन्स जो कंट्रोल कर रहे हैं किसे, इसे साथ में एएनएस कहते हैं। आप कह सकते हैं सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसे कह सकते हैं न्यूरॉन्स कंट्रोल, न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं किसे, ध्यान से देखिए स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल्स मतलब वो मसल्स जिन पर हमारा कोई बस नहीं है, जैसे यहाँ की जो मसल्स हैं हम अपने मसल नहीं घुमा सकते हैं, स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को, ये देखिए कार्डियक मसल्स को, कार्डियक मसल्स को और ग्लैंड्स को। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बॉडी की वो पोर्शंस हैं जिनके एक्टिविटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो चीजें इनवॉल्यूटरी हैं उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कितना सरल है, जहां पर हमारा बस है हमारे ब्रेन का उसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारे मन से चलता है। स्केलेटल मसल्स पर अगर कंट्रोल है सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, लेकिन अगर इनवॉल्यूटरी मसल या स्मूथ मसल या कार्डियक मसल या ग्लैंड्स के सिक्रीशन पे कोई काम कर रहा है, स्मूथ मसल्स पे काम कर रहा है, कार्डियक मसल्स पे काम कर रहा है, ग्लैंड्स पर काम कर रहा है, ध्यान से देखिए इन जगहों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो जगह है जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब कंट्रोल का सेंस, कंट्रोल तो है वॉल्यूटरी कंट्रोल नहीं है, ये कहने का सेंस है वहां पे। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर दो डिवीजन है, अगर आप समझें इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर दो डिवीजन है, तो वो कौन कौन से डिवीजन है अगर आप देखें तो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पहला जो डिवीजन है उस डिवीजन को हम लोग कहते हैं, यहां से देख लें आप, उस डिवीजन को हम लोग कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पहला डिवीजन है इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ये इसे शॉर्ट में हम लोग SNS कहते हैं। इसका उल्टा इसका दूसरा डिवीजन है, अगर आप चाहें तो लिख लें, इसका दूसरा डिवीजन है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको पता होगा कि ये दोनों नर्वस सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, एक एनर्जी को खर्च करता है और एक एनर्जी को बचाता है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। ये देखिए पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे हम लोग शॉर्ट में PNS कहते हैं। ये देखिए सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के आगे चाहे तो प्लस लगा दें, ज्यादातर ये जो ये स्मूथ प्लेसेस हैं यहां पर होने वाले रिएक्शंस की रेट को बढ़ाते हैं। जैसे अगर हार्ट की बीट को बढ़ाना है तो कौन काम करेगा, सिंपथेटिक, और हार्ट बीट घटाना है तो कौन काम करेगा, पैरासिम्पेथेटिक। ब्रेन का सिक्रीशन प्रमोट करना है तो सिंपथेटिक, घटाना है तो कौन सा, पैरासिम्पेथेटिक। तो इट वर्क्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसे लग सकते हैं इट कंज्यूम्स एनर्जी ऑफ बॉडी। ये देखिए इट कंज्यूम्स एनर्जी मतलब इसके काम करने से एनर्जी खर्च होती है, इट कंजर्व्स एनर्जी, थोड़ी सी चर्चा मैंने लिखी है, बहुत हल्का सा लिखा मैंने, डिटेल धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, इट कंजर्व्स एनर्जी। ये देखिए तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक डिवीजन ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो इन जगहों पे एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है। ये देखिए एक डिवीजन ये है जो इन जगहों पे एक्टिविटीज को कम कर रहा है। तो अब अगर आप देखें तो कुछ कुछ नाम है जो आपको सीखना है, समझना है। पहले मैं आपको ये बात आज लिख देता हूं कि NCERT जो होती है, NCERT स्वर्ग के रास्ते खोलती है। ये देखिए स्वर्ग के रास्ते खोलती है। अगर आपको स्वर्ग जाना है, इस दुनिया में किसी को भी स्वर्ग जाना है, तो ये देखिए उसे क्या पढ़ना पड़ेगा, NCERT पढ़नी पड़ेगी। तो अब आपको अगर आपसे मैं पूछूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा आता है, तो आप देखेंगे बोलेंगे सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जहां पर इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन की इनपुट और एनालिसिस होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आगे जो बॉडी पार्ट के लिए जाता है, जो मीडिएटर का काम करता है, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स निकलती है ब्रेन से, स्पाइनल नर्व्स निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, ये बॉडी में मैसेज आगे लेके जाती है। अब ये जो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स है, इनमें जो मोटर डिवीजन है वो मैसेज लेके जाता है, और जो अफरेंट या सेंसरी डिवीजन है वो मैसेज लेके ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन और बॉडी पार्ट के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। तो जब ये मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं तो बॉडी में दो जगह पे जाते हैं,
स्केलेटल मसल्स हैं जो बालूंट्री है जिनको बॉडी कंट्रोल कर लेती है, बालूंट्री कंट्रोल है, तो अगर वहां पर स्केलेटल मसल्स पे जाते हैं तो उसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और अगर ये कार्डियक मसल, स्मूथ मसल या ग्लैंड्स पे जाते हैं ये मोटर न्यूरॉन्स, तो उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहां कहा जाता है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स में, इनकी एक्टिविटीज को अगर जो बढ़ा देता है तो उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो घटा देता है उसे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये देखिए, फिशेस में, एनिमल किंगडम, अगर आपको याद होगा फिशेस में और एम्फीबियंस में, अगर आप देखें, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं ये तो बता दूं मैं आपको, क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहा हूं। क्रेनियल नर्व्स माने वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं। तो फिशेस और एम्फीबियंस में देखें तो ये जो है 10 जोड़ी है क्रेनियल नर्व्स। लेकिन अगर आप इस ग्रुप को देखें, रेप्टाइल्स को देखें, ये देखिए रेप्टाइल्स को देखें, आप बर्ड्स को देखें और आप मैमल्स को देखें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को देखें, तो ये जो है 12 पेयर्स है, ये देखिए। इस तरह से आपको सीखना है कि कब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे, कब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे, कब सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, कब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, कब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे और कब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। सेंट्रल कहेंगे वेनर स्पाइनल कार्ड को मिला के, पेरिफेरल कहेंगे उनसे निकलने वाले न्यूरॉन्स को मिला के, अगर बॉडी की स्केलेटल मसल्स को जो कंट्रोल करेगा उसे सोमेटिक कहेंगे, वॉलंटरी बॉडी की स्मूथ कार्डिक और ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करेगा उसे ऑटोनॉमिक कहेंगे। ऑटोनॉमिक के दो डिवीजन है, सिंथेटिक डिवीजन और पैरासिंथेटिक डिवीजन। ढंग से इसको सीखे, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और बेटा देखें, नर्वस टिश्यूज के बारे में देखें कि नर्वस टिश्यूज कैसे काम करते हैं, कौन कौन से नर्वस टिश्यूज में आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप नर्वस टिश्यूज देखते हैं तो नर्वस टिश्यूज में आप सबसे पहले नाम देख लें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि जनरली हम लोग नर्वस सेल ही पढ़ते हैं ना भाई, तो उससे काम नहीं चलना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोगों को एक तो पढ़ना है नर्वस सेल, तो नर्वस सेल तो पढ़ना ही है, इसमें न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं आप, जो न्यूरॉन है उसमें पढ़ना ही है। इसके सिवा और भी नाम है जिनको पढ़ना है, चाहे नर्वस सेल लिख लें और चाहे न्यूरॉन्स लिख लें, जैसा नर्वस सेल ही लिख लेते हैं, नर्वस सेल या न्यूरॉन। दूसरे जो सेल्स है जिनको पढ़ना है, वो सेल्स है जिनका नाम है माइक्रोग्लायल सेल्स नाम है, ये भी पढ़ना है। माइक्रोग्लायल सेल्स हैं, ये भी ब्रेन में पाई जाती हैं, इनको पढ़ना है, माइक्रोग्लायल सेल्स। अगले सेल्स जो हैं उन्हें एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं, ये देखिए एपेंडाइमल सेल्स हैं, इन्हें भी पढ़ना है, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करना है। और फिर पढ़ना है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अब सोचिए, ये एक ऐसी नर्व सेल है जो कंट्रोल नहीं करती बल्कि हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इतनी चीजें पढ़नी है, माइक्रोग्लायल पढ़ना है, एपेंडाइमल पढ़ना है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पढ़ना है। अगर आप इस नर्व सेल को देखें, जनरली इसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें भी फर्दर दो टाइप है। अगर आप देख रहे हो तो इसका एक टाइप है जिसे सोमा या बॉडी कहते हैं, ये देखें सोमा या बॉडी कहते हैं, और दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो उसे न्यूराइट्स कहते हैं, ये देखिए न्यूराइट्स। तो अगर आप न्यूराइट्स समझे तो न्यूराइट्स मतलब सेल प्रोसेस होती है, हम आपको भी डिटेल में पढ़ाते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिंपल सी बात समझें कि न्यूराइट्स पे दो चीजें आती हैं, एक तो एग्जॉन आता है और दूसरा डेंड्रॉन आता है, एग्जॉन आता है और डेंड्रॉन आता है। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, समझनी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम लोग एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं। ये जो नर्वस टिश्यूज हैं, नर्व सेल्स हैं, ये इनकी ओरिजिन जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। अब आपको आज से याद कर लेना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, मतलब इसकी ओरिजिन एक्टोडर्म से होती है। ये देखिए एक्टोडर्म से होती है। अगर आप इसको देखें तो ये पाई जाती है, इन सेल्स को अगर हम थोड़ा सा देख लें, ये जो सेल्स हैं एपेंडाइमल सेल्स हैं, ये सीलिएटेड होती हैं और ये कैविटीज ऑफ ब्रेन में पाई जाती हैं। कैविटीज ऑफ ब्रेन को अगर आपको याद हो, कैविटीज ऑफ ब्रेन को हम लोग वेंटिकल्स कहते हैं। आज से आपको ये बात भी दिमाग में सेट करना है कि वेंटिकल्स जो है, ब्रेन हमारा जो है खोखला है। लोग कभी कहते हैं कि आपका दिमाग क्या खोखला है क्या,
जी बिल्कुल खोखला ब्रेन है हमारा, हमारे ब्रेन है जिन ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाई जाती है, कैविटीज है जिसमें सीएसएफ भरा हुआ है, सीएसएफ मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है बेटा, ये हाइपोथैलेमस पे पाई जाती है, ये हाइपोथैलेमस पे पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में, और इनसे हार्मोन्स निकलते हैं। इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स को हम लोग न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। ये देखिए, अगर आपको याद होगा तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पाई जाती है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, बनते हैं, एक का नाम ऑक्सीटोसिन है और दूसरे का नाम वैसोप्रेशन है। ये देखिए, मतलब आपको ये दिमाग सेट करना है कि आप सोचिए इससे लोगों के दिमाग में चलता है सिर्फ नर्व सेल बॉडी को ही कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे ये सीएसएफ पाई जाती है, वेंट्रिकल्स की दीवारों पर पाई जाती है, सीएसएफ को फ्लड मतलब पंप करती है, माइक्रोग्लियल सेल से ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, बहुत सारी चीजें हैं जनरली हम लोग जो समझते हैं वो है नहीं। फिलहाल अभी हमको नर्व सेल सीखना है, तो अगर आप नर्व सेल या न्यूरॉन सीखना चाह रहे हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन सीखना चाह रहे हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन सीखना चाह रहे हैं, तो आइए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात किया जाए। इसे हम लोग स्ट्रक्चरल, पहली बात आप लिखें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। मतलब ये देखिए, ये नर्व सेल जो है इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। कभी भी जब आप नर्व सेल देखते हैं तो इस नर्व सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे देखा जाए, डिटेल देखा जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी सेल्स हैं इन सेल्स की खास बात है, इन नर्व सेल्स की एक बात पहले आप देख लें कि ये जो नर्व सेल्स हैं इनकी सबसे खास बात है कि बिफोर बर्थ, पैदा होने के पहले, बिफोर बर्थ, पैदा होने के पहले इनमें डिवीजन चलता रहता है। मतलब डिवीजन होता रहता है, ये डिवाइड हो सकती है, लेकिन पैदा होने के तुरंत बाद आफ्टर बर्थ अगर आप देखें, आफ्टर बर्थ अगर आप देखें तो आफ्टर बर्थ अगर आप देखें तो इनमें डिवीजन नहीं होता है, नो डिवीजन। ये सबसे मजेदार बात है, नो डिवीजन। जब किसी सेल में डिवीजन नहीं होता है तो वो सेल जी नॉट फेज में होती है। नर्व सेल की एक खास बात है कि पैदा होने के पहले इसमें डिवीजन होता है, लेकिन पैदा होने के बाद उनके डिवीजन नहीं होता है। और अगर आपको पता होगा तो आफ्टर बर्थ अगर आप देखें तो आफ्टर बर्थ जो है, मतलब आफ्टर बर्थ अगर आप देखें, पैदा होने के बाद आफ्टर बर्थ, तो इनकी संख्या भी बढ़ती है, साइज ऑफ नर्व सेल इंक्रीजेस। जो नर्व सेल है इस नर्व सेल की साइज इंक्रीज करती है, साइज ऑफ नर्व सेल इंक्रीजेस, नर्व सेल की साइज इंक्रीज करती है, संख्या नहीं बढ़ती है। यही बात आपको सीखनी है। कभी भी आप जब नर्व सेल बनाते हैं तो इस नर्व सेल में दो पार्ट हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसे हम लोग सोमा या साइटान कहते हैं, ये पहला पार्ट है। ऑलरेडी आपने पहले यहां बना रखा है तो हम यही बात करते हैं। ये देखिए, आपने रखा है ना, ये देखिए सोमा या साइटान। अगर आपको डर लग रहा है तो फिर से लिख देता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए आपको आना चाहिए कि कोई भी निर्वाण अगर है तो उसमें दो चीजें होती हैं। अगर कोई निर्वाण है या नर्व सेल है तो उसमें दो चीजें हैं। ये देखिए, पहला पार्ट है जिसे हम लोग सोमा या साइटान कहते हैं, यही मेन पार्ट है इस नर्व सेल का, सोमा या साइटान। दूसरा जो होता है इसकी प्रोसेस है, सेल प्रोसेस है, मतलब इसमें उभार है, सेल प्रोसेसेस हैं। इन्हीं सेल प्रोसेसेस को एक साथ हम लोग न्यूराइट्स कहते हैं। ये देखिए, न्यूराइट्स कहते हैं। इस सेल प्रोसेस में दो तरह के प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस है जिसे हम लोग एग्जॉन कहते हैं और दूसरा प्रोसेस है जिसे हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, या इसी को कभी कभी लोग जब ढेर सारी होती है, मल्टीपल होती है, इन्हें लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। देखिए, इस न्यूरॉन में एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गई। अच्छा, एक बात और देखें, एक बात और देखें, नर्व सेल्स आर इन जी नॉट फेज स्टेज, नर्व सेल्स आर इन किस फेज में,
जी नॉट स्टेज, जी नॉट स्टेज को अगर आप याद हो, सेल बायोलॉजी याद हो, तो इसे हम लोग क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूसेंट स्टेज। क्योंकि ऐसा इसलिए है, मतलब दे डू नॉट डिवाइड, इसका सेंस यही तो हुआ, दे डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं होती, नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होती। कारण कोई पूछे तब क्या बताएंगे? क्योंकि आफ्टर बर्थ अगर आप देखें, आफ्टर बर्थ पैदा होने के बाद, हम लोगों के पैदा होने के बाद, ये देखिए, दे लैक सेंट्रियोल, उनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। और अगर आपको पता हो तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल ही सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल ही सेल डिवीजन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आइए हम लोग एक एक करके नर्व सेल के बारे में पहले सोमा पढ़ते हैं, सेल प्रोसेस पढ़ते हैं, एग्जाम पढ़ते हैं, डेंड्राइट्स पढ़ते हैं, और उसके पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं।